ली गई तस्वीर से इस वक्त अगर दुनिया का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा चमकता नजर आ रहा है तो वो है इंडियन आइडल का ये सेट। आज जितने सितारे यहां आए हैं उतने सितारे शायद आसमान में भी नहीं है, और ये सब इसीलिए क्योंकि आज हम पहली बार पेश करेंगे दुनिया के उस इकलौते रियलिटी टेलीविजन शो के सुपर 15 को, जो शो लगातार पिछले 3 सीजन से बना ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। पर आपको यह भी बता दें कि आज की रात स्वागत सिर्फ आइडल के सुपर 15 का नहीं हो रहा है, ये स्वागत हो रहा है म्यूजिक के नए दौर का, मेलोडी के नए जमाने का। और इस बात का वर्डिक्ट ऑलरेडी लोगों की जुबान पर है दैट इट्स द THGA टैलेंट हो तो ऐसा। और तभी ये आइडल के सुपर 15 के लिए है कभी ड्रीम में भी ना सोचा वो ड्रीम डेब्यू। इससे बड़ा डेब्यू आज तक किसी सिंगर का हुआ है? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नेहू के लिए तालियां, क्या लग रही है नेहू? ओह माय गॉड। हाय विशु सर, क्या लग रहे हैं विशु सर? विशु सर के लिए तालियां। और HR इतने हॉट लग रहे हैं कि यहाँ का AC भी काम नहीं कर रहा है। I'm sweating। हमें भी तो तालियां बजानी है हमारे टॉप 15 के लिए। कहाँ यार आदि? आपको बता दें कि आइडल 13 में आपको पूरे 13 के 13 नई चीजें देखने मिलेंगी, जिसमें एक है ये इंडियन आइडल के रंगों में सजा आइडल ब्लू रूम। आदि, यू नो जैसे प्राउड पेरेंट्स होते हैं ना, और उनके बच्चे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे होते हैं, उस पेरेंट की तरह मैं आज नर्वस फील कर रही हूँ फॉर आवर कंटेस्टेंट्स। यहाँ से म्यूजिक का भविष्य डिफाइन होगा, इस स्टेज से आज जो होगा इस स्टेज पर। इस लेवल का ड्रीम डेब्यू इतने रियलिटी शोज जज करने के बाद मैंने तो नहीं देखा, और इसीलिए शैंपेन की जगह ग्रीन टी पीऊंगा। अब वो जो 11 बजे उठते हैं ताकि 11:15 बजे फिर से 6-7 घंटे के लिए सो सके। आज सब इनको इतना कुंभकरण बोलते हैं कि ऊपर असली कुंभकरण ने इनको इंस्टा पे DM किया। उन्हें अपन का टाइटल छीन कर अच्छा नहीं किया बिड़ू, अब उनकी तो इज्जत ही नहीं रही। अभी भी सो रहे होंगे हमारे स्लीपी बॉय प्रीतम रॉय। गुड नाइट सर। अभी तो जागे हुए हो ना? हाँ अभी जागे। इस वक्त तुम नींद में तो नहीं हो? नहीं अभी नींद में नहीं है, बट कुछ देर पहले था। ऑल द बेस्ट प्रीतम, ड्रीम डेब्यू है, ड्रीम में डेब्यू नहीं है, ड्रीम डेब्यू है। प्रीतम के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। को देखा तो शर्मा गया,
पहले नहीं थी चांदनी ओ शबनम पहले नहीं थी चांदनी चांद वो भरमा गया तुझको देखा तो शर्मा गया वो चुराने लगा है नजर शबनमी देखो चांद आया चांद नजर आया देखो चांद आया चांद नजर आया देखो चांद आया चांद नजर आया 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 देखो चांद नजर वो आया हाँ जी हाँ आया आया हाँ जी आया शर्म प्रीतम भले ही तुम बहुत कम जागे हुए रहते हो लेकिन उस कुछ वक्त में जब तुम नहीं सोते और तुम गाते हो तो पूरी दुनिया को जागने पर मजबूर कर देते हो तुम्हारी आवाज में वो बात है कंग्रेचुलेट यू बहुत अच्छा गाया आपने बहुत मीठी आवाज ये तो पता ही है हमको लेकिन इतनी सफाई से इतना कलाकारी It's incredible. Or, matlab, it's just your dream debut. Toh aage aage kya hoga? Preetam, aap bahut hi samajhdar singer ho. Bahut sharp singer ho, Preetam. Aap se na bachke rehna padega baaki singers ko. You are so smart, so sharp. Aapke dynamics ek toh bade pyare lagate ho aap. Too good, too clean. And for that, Preetam, aapne mausam badal diya! Well done, Preetam. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Good night, sweet dreams. Oh,
दीप्ता वो ना हम ना कह रहे थे कि ये जो कपड़े हमने पहने हैं ना ये हमने नहीं बनाए हैं. बहुत खूबसूरत लग रही हो दीप्ता, बहुत ही खूबसूरत. एंड जिस तरह से आज आपने गाया बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. 17 साल की उम्र में आप इतना यू नो पुराना लेजेंडरी गाना आप गा रही हैं और इतने अच्छे से गा रही हैं, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई. थैंक यू, ग्रेट जॉब. बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आए हैं कि आप लोग आगे चलकर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे और वो अपने आप में उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत ग्रेट गाते हों. और उस लेवल का ये परफॉर्मेंस था, फैंटास्टिक. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. दीप्ता आपने तो मुझे बहुत साल पहले पहुंचा दिया. मैंने अनुराधा जी को बोला कि आपका ये गीत आपको नहीं मेरी फिल्म को भी बहुत उठाएगा. और यही बात मैं आज दीप्ता आपसे दोहराता हूं, क्योंकि जब मैंने देखा कि आप अपने माता पिता के पांव छूने गए तो आप में एक अपना संस्कार है और कला हमेशा संस्कारी लोगों को ही मिलती है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. जब भी मैं किसी नए टैलेंट को देखता हूं तो मैं उसको बड़ा गौर से देखता हूं और मेरे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कभी गलत भी होती हैं कभी सही भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सही होती हैं. क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? मैंने जब भी किसी हीरो या हीरोइन से पूछा है, चाहे वो जैकी श्रॉफ थे या महिमा चौधरी थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप हीरोइन बनना पसंद करेंगे तो उनका जवाब ये होता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और बाद में हुआ और यही शायद आपके साथ हो सकता है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सुभाष जी, मैं आपकी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ, जब भी आप चाहें. यू कैन कॉल मी. वो समय आने वाला है जब लड़के लड़कियों के रोल करना शुरू कर देंगे. वेरी वेल डन दीप्ता, मजा आ गया. एक बार दीप्ता के लिए जोरदार तालियां हो जाए.
जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को विनीत बहुत अच्छा गया है यार थैंक यू सर क्या बात है थैंक यू सर वाह 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 इसके गाने से एक बात याद आई जब तीर कमान से छोड़ना होता है ना तो पहले आदमी निशाना लगाता है फिर खींचता है तो उस वक्त वो पीछे ही जाता है मगर जब वो तीर निकलता है और निशाने पे पहुंचता है ना तो यूं समझ ले कि अब हम दोनों को पीछे आना है ये मगर निशाना एकदम परफेक्ट लगाना है yes, खामोशियों की गूंज सुनी तुमने विशाल इस ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद जो गूंज थी इस परफॉर्मेंस की वो मुझे लग रहा है कि एपिसोड के फिनाले हो जाएंगे लेकिन विनीत और इस्माइल दरबार साहब और ये ग्रैंड म्यूजिशियंस का ये परफॉर्मेंस वो कभी भूले से भी नहीं भूलेगा आउटस्टैंडिंग हम दिल दे चुके सनम में जो म्यूजिक उन्होंने दिया है उसके आसपास
किसी का जाना पॉसिबल ही नहीं है. वो सब मानते हैं, हर म्यूजिशियन, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सिंगर इस हिंदुस्तान का मानता है कि चाहे उन्होंने कम काम किया है लेकिन वो इतना लेजेंडरी काम किया है कि चाहे सदियों 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 बीत जाए वो नाम वो काम उनका हमेशा याद रहेगा. और तुम्हारी पूरी सक्सेस का श्रेय मैं इस्माइल भाई को देता हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू यार. गॉड ब्लेस यू. लेजेंड्स कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाते सर, वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं और आप हमेशा वहीं रहेंगे और हम सबके दिल में आपने जगह बनाई हुई है सर, वो हमेशा रहेगी. विनीत, आज मैंने वो फील किया विनीत कि आज तुम अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे थे, आज तुम अपने घर में थे. थैंक यू विनीत. इज बैक. ये 2022 का विनीत सिंह है, यहाँ से सिर्फ आगे ही जाएगा. थैंक यू सो मच. क्या बात है. वाह वाह. विनीत सिंह, तुमने मौसम बदल दिया. अब वो जिनको देखते ही हर लड़की के दिल में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है. चिराग. यस मैम. आप जैसे मिलते हैं खूबसूरत लड़कियों को. यस मैम. सुनने में आया आपको वो रिजेक्ट कर देती हैं. यस मैम. क्यों ऐसा क्यों हो जाता है मैम? पता नहीं मैम, पसंद आती हैं, मतलब प्यार होता है, बट क्या वो ढूंढती है मेरे में वो उनको मिलता नहीं है मैम. तो यू नो व्हाट एचआर, मुझे ऑडिशंस का तो पता नहीं क्योंकि ऑडिशंस में बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक एक करके ढूंढना मुश्किल था. बट अभी हमारे टॉप 15 में इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी कन्याएं हैं. मेरा दिल धक 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 करता है. वैसे मैम हम जुहू बीच गए थे सारे मुल्क है, तो वहाँ पर मैंने किसी को मतलब प्रपोज किया अपने कंटेस्टेंट में से ही. अच्छा. हाँ. वाह. हमारे टॉप 15 में. हाँ. हमारी नाक के नीचे से इसने लड़की को प्रपोज कर दिया, पता ही नहीं चला. किसको प्रपोज किया? सर थोड़ा नाम लेने में थोड़ा. मैडम ने हाँ बोल दी है तो मैं नहीं पूछूंगी कौन है, बट अगर अगर रिजेक्ट हो गए तो बता दो ना कौन यार है. यहू? यार एक मिनट ना, तुम बार बार नहीं, ये बार 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 तुमसे बात कर रही है, रिजेक्शन पे वो स्माइल करती है, तुम इतने मजे क्यों ले रही हो यार? ये मजा ही इन सब में. बट फिलहाल इस बार किससे रिजेक्ट हुए बताओ ना. क्या कॉन्फिडेंस है. तो उसका नाम मैम, उसका नाम मैम काव्या है. तो काव्या ने फिर आपने काव्या को प्रपोज किया जो बीच जाकर, तो फिर क्या जवाब आया? ए आदि सुनो ना. हाँ बोलो. मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं ना रिजेक्शन अब होएगा. ठीक है यार, मतलब हो जाता है, एक बार काव्या से भी तो पूछे उसने रिजेक्ट कैसे किया. हाँ है ना काव्या. हाय काव्या. अब हो ही रही है बेइज्जती तो ठीक से होए ना.
My God, क्या talent है मैम. Thank you. Amazing. As in, no words. Sorry, I'm just stunned. Amazing, amazing. What a talent. And still, I don't know what to say. Okay, I'm giving to sir. तो इनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा मुझे इनको ले जाने के लिए साउंड स्टूडियो की क्या बात है ले अभी लेके जाइए सर चलिए आप चलिए मेरे साथ हो गया थैंक यू सो मच इट इज अनबिलीवेबल मामे कुछ मतलब की के बाहर कुछ बचता है या कहाँ जाती हो तुम तुम्हारा कहाँ चला जाता है ऑक्टेव ओ माय गॉड कैसे करती हो जाता है हो जाता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है यू नेल्ड इट कांग्रेचुलेशंस सुपर सुपर एक बार जोरदार तालियां हो जाए संचारी के लिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.